नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डी एन तिवारी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय, कानपुर देहात। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपको कक्षा 11 में पढ़ाया जाना है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत वास्तव में उपभोक्ता के मनोवैज्ञानिक बिहेवियर को अध्ययन करने की कोशिश करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि यदि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है और आप बाजार में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो आपको किन किन वस्तुओं को की कितनी कितनी मात्राओं को खरीदना है, तो उपभोक्ता का संतुलन भी इसमें जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, उपभोक्ता के इस मनोवैज्ञानिक व्यवहार को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर अलग अलग तरीके से अध्ययन किया है। किसी ने उपयोगिता को मापने की कोशिश की है तो उसको गणनावादी अवधारणा कहा गया है। किसी ने उपयोगिता को मापने के बजाय ऑर्डरिंग आउट करने की कोशिश की है और उसको हमने ऑर्डिनल अप्रोच कहा है। तो प्यारे बच्चों, जहां तक गणनावादी अवधारणा की बात है, एक उपभोक्ता जब किसी दुकान पे जाता है और वो देखता है कि उसके पास बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो वह अपनी जेब को देखता है, साथ ही वो देखता है कि उस वस्तु की कीमत कितनी है और कीमत के साथ साथ वह और भी बहुत सारी चीज़ों को देखता है और फिर निर्णय लेता है कि उसको कितना खरीदना है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम उपभोक्ता किसे कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता शब्द मैंने बार बार इस्तेमाल किया। अभी कोई भी व्यक्ति अथवा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी वस्तु में निहित यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता का अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उपयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज गोइंग टू यूज अप द एग्जिस्टिंग यूजफुलनेस और इन शॉर्ट यू कैन से यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर इज नोन एज कंज्यूमर। प्यारे बच्चों, ये एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक संस्था भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हर वस्तु जो हम उसी का अध्ययन करेंगे जो मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उपयोगी हो, उसके अंदर एक शक्ति हो जिससे किसी मानवीय इच्छा को संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, खाना खाते हैं तो हमारी भूख बुझती है, तो इस तरीके से कोई ना कोई मानवीय इच्छा को संतुष्ट करे। एक और बात है, हर व्यक्ति विवेकशील है, निश्चित है, वह अपने न्यूनतम खर्चे से व्यय से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ऐसा उपभोक्ता का सिद्धांत मानता है। प्यारे बच्चों, उपयोगिता जो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को दो विभिन्न अप्रोचेस के साथ हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल और उनके फॉलोअर जेएस मिल का सिद्धांत, जिसको हम परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम कार्डिनलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम गणना करने की कोशिश करते हैं, इसे गणनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरी तरफ हम जे आर हिक्स, स्लट्स की वगैरह के सिद्धांत को पढ़ेंगे जो कि ऑर्डिनल अप्रोच है। आइए देखते हैं वन बाय वन हम इनके बारे में क्या करते जानते हैं। ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बेसिकली इसके प्रोपाउंडर जो थे वो एल्फ्रेड मार्शल थे और ये न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं। इनके स्टूडेंट जे एस मिल थे। इन्होंने ये कहा कि जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, जब उसका हम कंज्यूम करते हैं, तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी सेटिस्फेक्शन को हम उपयोगिता कह सकते हैं। सो द एग्जिस्टिंग पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर इज नोन एज इट्स यूटिलिटी। एक और बात उन्होंने कहा कि ये जो उपयोगिता हमें, संतुष्टि जो हमें मिल रही है, इसको हम माप सकते हैं। जी हाँ, इसको हम रुपये में माप सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं, या फिर किसी इकाई में, यूटिल्स में इसे मापा जा सकता है। इसीलिए इसे गणनावादी सिद्धांत कहा है। प्यारे बच्चों, एल्फ्रेड मार्शल का कहना था हर व्यक्ति विवेकशील कंज्यूमर होता है
और साथ ही हर वस्तु का एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट होता है जो कि कंज्यूम किया जाता है। जैसे कप ऑफ टी, एक ग्लास फुल ऑफ वाटर, एक ग्लास फुल ऑफ मिल्क, एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है जिसे हमें कंज्यूम करना है। अगर हम किसी को चम्मच से पानी पिलाएं या बूंद बूंद करके पानी पिलाएं तो उसके ऊपर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। यह सिद्धांत तभी लागू होगा जब आप पूरा गिलास पानी का पिए या पूरी कप चाय का पिए। इसके अलावा एक और चीज है, यह सिद्धांत तभी लागू होगा प्यारे बच्चों जब ये कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस मैनर होगा। एक गिलास पानी का पिया, आप तुरंत दूसरे गिलास पानी का पी रहे, तभी ये नियम लागू होगा। अगर आप एक गिलास पानी का अभी पी रहे और दो घंटे बाद एक गिलास पानी का पी रहे तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी इन द कंजम्पशन होना चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे हमें कंज्यूम करना है। प्यारे बच्चों आइए अब हम देखते हैं कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन विच ए कंज्यूमर गेट्स बाय कंज्यूमिंग ए सर्टेन यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। जब भी हम किसी वस्तु की एक निश्चित इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें जो कुल उपयोगिता मिलती है, कुल सेटिस्फेक्शन मिलता है, टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद जब हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट नेट एडिशन टू द टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच ए कंज्यूमर गेट्स बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। प्यारे बच्चों जैसे ही हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो कुल उपयोगिता में होने वाली शुद्ध वृद्धि को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एन कॉमोडिटी, या आप देखिए नीचे फॉर्मूला हमने दिया हुआ, टोटल यूटिलिटी विच ए कंज्यूमर इज गेटिंग फ्रॉम एन कॉमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी विच ए कंज्यूमर इज गेटिंग बाय कंज्यूमिंग द लास्ट एन माइनस वन यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। तो इस तरीके से हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते। मार्शल का यह भी कहना था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली कुल जो शुद्ध वृद्धि है, जो सीमांत उपयोगिता है, वो कम होती जाती है। As we go on consuming additional unit of a commodity, we get less and less amount of satisfaction. This falling tendency in marginal utility, according to Alfred Marshall, is nothing but law of diminishing marginal utility. प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है ये। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं हमें कुल उपयोगिता तो हमारी बढ़ेगी, लेकिन जो लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन से हमें उपयोगिता मिल रही है, जो एडिशन हो रहा है, वो कम होती जाएगी। इसको हम एक बहुत सरल शब्दों से समझा सकते हैं आपको। जब हम अपने दोस्त के घर पहली बार जाते हैं तो आपने देखा होगा बड़ा स्वागत होता है, आवभगत होता है, लेकिन जब आप दूसरी बार जाते हैं तो हो सकता है कि आपको चाय पानी फिर दोबारा से मिल जाए, आवभगत में थोड़ी सी कमी। जब आप तीसरी बार जाते हैं और चौथी बार जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है प्यारे बच्चों जब वो कहता है दोस्त कि जा भाई किचन में से पानी और फ्रिज में से पानी ले ले और किचन में जरा चाय बना के मुझे पिला देना। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये परवेसिव इन नेचर है, ये हर चीज में लागू होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। So, सबसे पहले हम आपको बताएंगे टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। जैसे टोटल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं इकाइयों का, अतिरिक्त इकाइयों का, हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू। जब तक आपका MU पॉजिटिव है तब तक आपका TU बढ़ता जाएगा, टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ता जाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। सीमांत उपयोगिता जहां धनात्मक जीरो हो जाती है तो जो दर गिर रही है, कम हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा तो जीरो हो जाएगी, और जीरो होने जीरो सीमांत उपयोगिता की स्थिति में टोटल यूटिलिटी हाइएस्ट, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैचुरेशन कहते हैं या स्ट्रेटा कहते हैं। यहां पर कंज्यूमर की वो पर्टिकुलर इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी होती है। टोटल यूटिलिटी इसके बाद अगर
उपयोगिता बढ़ती है तो टोटल यूटिलिटी कम होने लगेगी क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो चुकी है। तो अगर हम संबंध की बात करते हैं, इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, टेबल भी आपके सामने। उपभोक्ता जब किसी वस्तु की शून्य इकाई का टेबल की तरफ ध्यान देते हैं, शून्य इकाई का उत्पादन उपभोग करता है तो उसको कुल उपयोगिता शून्य मिलती है, सीमांत उपयोगिता बिल्कुल नहीं मिलती। जैसे वो पहले गिलास ऑफ वाटर, सपोज एक व्यक्ति खड़ा है रेगिस्तान में, उसे प्यास लगी है और वो पहला गिलास ऑफ वाटर उसे दिया जाता है, उसको पहले ग्लास ऑफ वाटर से 10 इकाई के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि फर्स्ट ग्लास ने जो टोटल यूटिलिटी में ऐड ऑन किया है वो 10 इकाई के बराबर किया है, इसकी सीमांत उपयोगिता 10 इकाई। जैसे ही वो दूसरी इकाई का उपभोग करता है, दूसरा पानी ग्लास का पीता है, उसकी कुल उपयोगिता बढ़ करके 16 हो जाती है, 16 हो जाती है। अब आप देखिए दूसरी इकाई से उसको फुल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, पहली से 10 मिला था, दूसरी से 6 मिलेगा, क्योंकि 16 में से 10 को जब हम घटाएंगे तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपके सामने। जैसे ही हम तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं, कुल उपयोगिता हमारी फिर 20 हो जाती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता 20 में से 16 घटा देंगे तो 4। चौथे ग्लास ऑफ वाटर में आप देखते हैं कि कुल उपयोगिता उसकी 20 ही रहती है और अब उसको सीमांत उपयोगिता 0 मिलेगी। यह वो बिंदु है जहां पे उसकी प्यास पूरी तरह से बुझ चुकी है। अब अगर उसको अगला गिलास ऑफ वाटर तुरंत पिलाया जाता है तो उसको सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक मिलेगी। जी हाँ, अब वो वस्तु उसके लिए फायदेमंद के बजाय नुकसानदायक। अगर हम उसको डायग्राम के सहायता से देखें तो ये देखिए आपके सामने रेड कलर का जो डायग्राम है वो उसी टेबल के आधार पर बनाया गया है। पहला पॉइंट हमें 0-0 पे मिलता है, दूसरा पॉइंट जब एक पहली यूनिट का हम कंजम्पशन करते हैं तो 10 इकाई के बराबर मिलता है, जब हम दूसरी इकाई का कंजम्पशन करते हैं तो कुल उपयोगिता हमारी 16 इकाई हो जाती है, और इस दौरान आप देखेंगे MU जो है नीचे की तरफ कम होता चला जा रहा है। चौथी इकाई पर जब MU शून्य है तो टोटल यूटिलिटी 20 यूनिट के बराबर है, ये इसका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी है। इस पॉइंट के बाद MU घटने लगेगा और TU भी ऋणात्मक हो जाएगा, TU घटने लगेगा और MU इस समय ऋणात्मक हो जाएगा। अब क्या कारण है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्यों मतलब प्यारे बच्चों, नंबर एक, साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर टेंड्स टू डिक्रीज आफ्टर एवरी यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी एक साइकोलॉजिकल जो इंटेंसिटी होती है उस वस्तु को पाने की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एल्फ्रेड मार्शल का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है, जिसके कारण लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लागू होता है। दूसरी बात है कि ये लॉ तभी लागू होगा, जैसे कि हमने पीछे बताया आपको, जब कंज्यूमर एक स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, जैसे एक कप ऑफ चाय का एक कप, एक पानी का एक गिलास, या अगर हम ड्रॉप या स्पून में चाय और पानी पिएंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम लागू तब होगा जब कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस मैनर में कर रहे हैं, लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लागू होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी तब लागू होगा जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, क्योंकि इस सिद्धांत का जो मेन तराजू है, वेइंग मशीन है, जो वेइंग टूल है, वो है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी स्पर्श। मुद्रा में हम उपयोगिता को माप रहे हैं, मुद्रा में हम कीमत को माप रहे हैं, तो निश्चित है कीमत यानी मुद्रा एक ऐसा तराजू है जिसकी खुद की सीमांत उपयोगिता बियॉन्ड चैलेंज है और वो कॉन्स्टेंट है, वो बदलती नहीं है, ऐसा मार्शल का मानना। हर कंज्यूमर विवेकशील होता है, ये इसकी पांचवी मान्यता थी जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के लागू होने की बात हम करेंगे। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इसके अलावा देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले जो अन्य तत्व हैं, कंज्यूमर की इनकम हुआ, फैशन हुआ, क्लाइमेट हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हुआ, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हुए, ये सब इसके लिए, ये नियम तभी लागू।
व्हाट डिटरमाइंस ए कंज्यूमर टू बाय है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब हम आपके सामने दे रहे हैं। आप एक गोलगप्पे की पानी पूरी की दुकान पे जाते हैं और कितने गोलगप्पे खाने हैं अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ऐसा आप करेंगे कई चीजों पे आपका निर्णय डिपेंड करेगा, आप किसी वस्तु की कितनी इकाइयों को कंज्यूम करेंगे। सबसे पहली वस्तु ये होगा कि उस वस्तु की खुद की कीमत क्या है। उस वस्तु की खुद की कीमत सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके इस बात का निर्णय लेने के लिए कि आप उसकी कितनी इकाइयां कंज्यूम करने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि उस कमोडिटी से सीमांत उपयोगिता आपको कितनी मिलेगी। नंबर वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नंबर टू मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच यू गेट फ्रॉम द सेम कमोडिटी। इसके अलावा तीसरी चीज है आपके मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, मुद्रा की कीमत आपके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है। ये तीन चीजें डिसाइड करेंगी कि आप किसी वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदेंगे। आइए हम चलते हैं एक दुकान पे और देखते हैं ये जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया पानीपुरी का और हमारी टेक्स्ट बुक में भी इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जब उपभोक्ता पहला पानीपुरी का वो खाता है, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी जब वो कंज्यूम करता है तो उसे टोटल सेटिस्फेक्शन 10 मिलता है, सीमांत उपयोगिता 10 मिलता है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वस्तु की जो कीमत है वो भी 2 रुपए है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी 2 यूनिट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 2 यूनिट्स एंड मार्जिनल और एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 2 यूनिट। आइए देखते हैं कि क्या वो पहला यूनिट ऑफ कमोडिटी खरीदेगा अगर वस्तु की कीमत 2 रुपए है और सीमांत उपयोगिता मुद्रा की 2 इकाई के बराबर। पहले बच्चों ये जो 10 इकाई इसको सीमांत उपयोगिता की मिल रही है, अगर हम इस 10 को देखते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि ये जो 10 है इसको हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करने के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से भाग देना होगा। जैसे ही हम इसे 2 से भाग देते हैं जो कि सीमांत उपयोगिता मुद्रा की है वो 2 है, तो जैसे हम 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखिए उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रहा है वो 5 इकाई के बराबर होता है और जो पैसा वो खर्च कर रहा है वो 2 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि 2 रुपए खर्च कर रहा है और 5 रुपए के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो क्या करेगा, खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो विवेकशील है। जब उसको 2 रुपए खर्च करने से 5 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो पहला गोलगप्पा बड़े प्रेम से खाएगा। आइए देखते हैं दूसरे के बारे में उसका क्या निर्णय होगा। जब वो दूसरे की बात करता है या दूसरे ग्लास ऑफ वाटर की बात कर लीजिए, चाय की बात कर लीजिए, किसी अच्छी कम्युनिटी की बात कर लीजिए, अपने पसंद की कम्युनिटी की बात कर लीजिए, यहाँ कोई एक एग्जांपल लेने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने बताया ये साइकोलॉजिकल लॉ है, ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू होने वाला है। हम एक ऐसा सिद्धांत डिराइव करने की कोशिश करते हैं जो कि प्रत्येक उपभोक्ता के ऊपर लागू होने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जब दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पीता है या दूसरा यूनिट ऑफ कंजम्पशन करता है उसका कुल उपयोगिता 16 हो जाती है और 6 इकाई के बराबर उसको सेकंड यूनिट से सीमांत उपयोगिता मिलती है। अब इस 6 सीमांत उपयोगिता को हम 2 से भाग देंगे तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मनी वो 3 रुपए के बराबर मिल रहा है और खर्चा वो कर रहा है 2 रुपए प्रति इकाई, खर्च कर रहा है 2 रुपए प्रति इकाई, उसको सेटिस्फेक्शन मिला 3 रुपए प्रति इकाई, तो निश्चित है वो दूसरा यूनिट भी कंज्यूम करेगा क्योंकि इसमें उसको मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, कीमत उसे कम मिल रहा है। क्या होगा जब वो तीसरी इकाई उसके सामने रखी जाएगी? अब तीसरी इकाई जब वो कंज्यूम करेगा उसको सेटिस्फेक्शन 20 इकाई के बराबर मिल रहा है लेकिन सीमांत उपयोगिता उसकी 4 इकाई। अब जब इस सीमांत उपयोगिता को हम इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करते हैं 2 से भाग दे करके तो हम पाते हैं कि इसको मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 2 है, यानी 2 रुपए खर्च कर रहा है और 2 रुपए के बराबर इसको सीमांत उपयोगिता भी मिलती है। निश्चित है जितना खर्चा है उतनी उपयोगिता है वो खरीद लेगा इसको। आइए देखते हैं चौथी इकाई के बारे में उसका निर्णय क्या होगा। चौथी इकाई जब उसके सामने रखी जाती है वो कैलकुलेट करता है मेंटल में अपने दिमाग में
और पाता है कि अब टोटल सेटिस्फेक्शन तो उसका बीसी का ही है, सीमांत उपयोगिता उसको चौथी यूनिट से कुछ नहीं मिलने वाली, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी भी उसकी जीरो हो। अब वो 2 रुपए प्रति इकाई खर्च करेगा और उसको सीमांत उपयोगिता इन टर्म्स ऑफ मनी जीरो मिलेगी, तो वो विवेकशील है, वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल चौथी इकाई को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो पांचवी इकाई करता है, अब वो जान गया है कि पांचवी इकाई से तो अब उसके लिए नुकसानदायक होगा, कहा भी गया है ज्यादा मिठाई भी नुकसानदायक हो जाती है, अगर 4 गोलगप्पे या 5 4 रसगुल्ले के बाद पांचवा आप खाएंगे तो निश्चित वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में उसको मार्जिनल लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है नेगेटिव मिल रही है और उसको पेमेंट 2 रुपए पॉजिटिव खर्च करना पड़ रहा है, तो ऐसी बेवकूफी वो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वो एक विवेकशील नहीं होता है। पहले बच्चों ये तो हुआ डिसीजन, आइए देखते हैं अब हम इसको किस प्रकार से आपके सामने दोबारा रख सकते हैं डायग्राम के रूप में। यहां हम देखते हैं आपके सामने, देखिए ये सीधा है सीमांत उपयोगिता वक्र डी से लेके एमयूएक्स, जो नीले रंग का कर्व है ये सीमांत उपयोगिता वक्र है, और पीएक्स वक्र जो है वो वस्तु की कीमत का वक्र है। जब उपभोक्ता ओपीएक्स कीमत देता है तो उसको मिलने वाली कुल संतुष्टि जो है, क्योंकि एमयू को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होती है ओ डी और ई क्यू एक्स, उसको जो कुल संतुष्टि मिल रही है वो ओ डी ई एक्स क्यू एक्स के बराबर मिल रही है, और उसको जो खर्चा करना पड़ रहा है वो ओपीएक्स इंटू ओ क्यू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो खर्चा है वो येलो कलर से दिखाया गया है, और उसको जो मिल रहा है सेटिस्फेक्शन जो उपयोगिता मिल रही है वो ओ डी ई क्यू एक्स के बराबर मिल रही है। ये जो नीले स्काई ब्लू कलर का जो एरिया दिखाया गया पैर बच्चों, इसको एल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस कहा है, मतलब उसको पेमेंट करना पड़ रहा है येलो एरिया के बराबर और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है येलो प्लस स्काई ब्लू एरिया के बराबर, तो नेट उसका फायदा जो है खर्चा उसने येलो के एरिया के इक्वल किया है, क्योंकि ओपी प्राइस दे रहा है, ओपी एक्स खरीद रहा है, तो ओपी इंटू ओपी एक्स ये येलो एरिया निकल आएगा आपको। सो इस केस में जो देख दिखाई पड़ रहा आपको स्काई ब्लू एरिया, वो कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता का बचत कहलाता है। और आप देखेंगे ये जो के बिंदु है, इस के पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैचुरेशन है, इस पॉइंट की खासियत है कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एक्स पर है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट अ पॉइंट वेयर प्राइस ऑफ एक्स हैज बिकम इक्वल टू द एमयू एक्स। ये हुआ डायग्राम की सहायता से। आइए देखते हैं, ये तो हुआ एक वस्तु के संदर्भ में, इसको हम दो वस्तु के संदर्भ में कैसे लागू कर सकते हैं। ये काम किया एल्फ्रेड मार्शल के खुद के स्टूडेंट जीएस मिले, उन्होंने एक नया सिद्धांत देने की कोशिश की जिसको कहा गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल इक्विटी, सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि अगर एक से अधिक वस्तु उपभोक्ता खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में वो ये देखेगा कि वस्तु एक्स और वस्तु वाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। बाय स्पेंडिंग द लास्ट डॉलर consumer should be able to get equal amount of satisfaction whether he spent that amount on x commodity or y commodity, क्योंकि अगर किसी एक से कम या ज्यादा मिलेगा तो जिससे सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिल रही है वो उसके ऊपर खर्च करेगा, और जहां से सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है वहां से वो विड्रॉ करेगा। तो विड्रॉल और इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक ऐसी स्थिति ना आ जाए जब वो अपने लास्ट डॉलर से को चाहे एक्स पे खर्च करे चाहे वाई पे खर्च करे दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन मिले। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी एट अ पॉइंट वेयर ही विल बी गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज फ्रॉम हिज लास्ट यूनिट ऑफ मनी। इसको आप देख सकते हैं एमयूएक्स अपॉन पीएक्स शुड बी इक्वल टू एमयूवाई अपॉन पीवाई शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये जो लास्ट डॉलर वो चाहे इस पे खर्च करे चाहे इस पे खर्च करे दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन समान होनी चाहिए, तभी वो संतुलन में होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड
law of equal marginality from both the communities by spending his last unit of money, it has to be ensured. Let us explain this law of equal marginality with the help of the diagram. आप इस डायग्राम में देखेंगे इस तरफ कम्युनिटी एक्स के बारे में सीमांत प्रवृत्ता दिखाई गई है, इस तरफ कम्युनिटी वाई के बारे में सीमांत प्रवृत्ता दिखाई गई है। अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो कम्युनिटी एक्स बढ़ रही है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं तो कम्युनिटी वाई बढ़ रही है। ये एमयू एक्स, दिस इज एमयू कर्व ऑफ एमयू एक्स एंड दिस इज द कर्व ऑफ एमयू वाई। पहले बच्चों जिस बिंदु पर आप देखिए येलो एरो जहां पे गिर रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, वो पॉइंट सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होगा, क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर इज गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मार्जिनलिटी फ्रॉम क्वांटिटी एक्स एंड क्वांटिटी वाई। अगर वो इससे राइट साइड में जाता है, कोशिश करता है कि कंजम्पशन वो एक्स का बढ़ाए वाई का कंजम्पशन कम करे, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जब वो एक्स का बढ़ा रहा है यानी एक्स से मिलने वाली सीमांत प्रवृत्ता कम होने लगेगी, और वाई से मिल वाई की संख्या कम होने के कारण वाई से मिलने वाली सीमांत प्रवृत्ता बढ़ जाएगी। अगर हम इसको ठीक से देखें तो जैसे ही उपभोक्ता ओ क्यू ई से बढ़ करके ओ क्यू टू पर जाता है, उसको वस्तु एक्स से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है क्यू टू बी डैश हो जाती है, और वाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्यू टू सी डैश के बराबर है। अब आप देखिए बी डैश सी डैश का जो अमाउंट है, ये अमाउंट बताता है कि एमयू वाई उसे ज्यादा मिल रहा है, हायर है कि एमयू एक्स की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो वस्तु वाई की मात्रा को कम करेगा, क्योंकि वस्तु वाई से उसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वस्तु एक्स की मात्रा को कम करेगा, वस्तु वाई की मात्रा को बढ़ाएगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही किसी एक वस्तु को बढ़ाता है तो उससे उसको मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। सबसे पहले उसने x बढ़ाया था क्यू ई से क्यू टू पे गया, तो x वस्तु को बढ़ाया उसने, और x वस्तु को बढ़ाने से वस्तु x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो गई, इसलिए वो इसको कम करेगा और क्यू ई की तरफ वापस जाने की कोशिश करेगा। अगर वो क्यू वन पे जाता है तो क्यू वन पे आप देखेंगे एमयू एक्स जो है वो क्यू वन बी के बराबर है, और एमयू वाई जो है क्यू वन सी के बराबर है। अब एमयू वाई की मात्रा बढ़ने के कारण उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो गई है, इसलिए कंज्यूमर वाई की मात्रा को घटाएगा और एक्स की मात्रा को बढ़ाएगा और वो क्यू ई की तरफ जाएगा। तो आप देखिए चाहे वो लेफ्ट साइड जाए चाहे राइट साइड जाए, अल्टीमेटली उसको उसी बिंदु पर आना है जिस बिंदु पर एमयू एक्स बिकम्स इक्वल टू एमयू वाई। दिस इज कॉल्ड लॉ इक्वी मार्जिनल इक्विटी। इस लॉ के अनुसार कंज्यूमर उस अवस्था में संतुष्टि में होगा, संतुलन में होगा, जब वह अपने लास्ट डॉलर को चाहे एक्स पे खर्च करे चाहे वाई पे खर्च करे, दोनों से मिलने वाली सीमांत प्रवृत्ता समान हो जाए, और वो इस बिंदु में बिंदु ए के बराबर ई से दिखाई दे। ड्रॉबैक्स, इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी। ख्याल बच्चों ये सिद्धांत कार्डिनल अप्रोच का जो सिद्धांत है, मार्शल द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, जे एस मिल द्वारा जिसने लॉ ऑफ इक्विटी को ऐड किया है, इस सिद्धांत की कुछ स्टैंडर्डाइज कमियां थी जिनकी आलोचना आगे आने वाले फॉलोअर्स ने अर्थशास्त्र में। सबसे पहली बात तो ये सिद्धांत मनुष्य को एक कैलकुलेटिंग मशीन समझता है, ये समझता है कि प्रत्येक मनुष्य इस तरह सक्षम है कि वो पहला गिलास पानी का पिएगा तो कुल उपयोगिता कितनी इकाई मिलेगी, दूसरा पिएगा तो कितनी इकाई मिलेगी, तीसरा पिएगा कितनी इकाई। प्यारे बच्चों मैन इज नॉट ए कैलकुलेटिंग मशीन, दिस हैज बीन एंश्योर्ड एस्टेब्लिश्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस थ्योरी ऑफ कार्डिनल अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय जे आर हिक्स। दूसरी बात है, इन्होंने कहा सीमांत प्रवृत्ता मुद्रा की मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों अगर ऐसा होता तो एक मजदूर को 100 रुपए कमाने के लिए दिन भर काम न करना पड़ता, और एक अमीर व्यक्ति बिजनेस क्लास का व्यक्ति 100 रुपए किसी वेटर को टिप नहीं दे पाता। क्या एक मजदूर भी 100 रुपए का नोट किसी वेटर को टिप दे सकता है, यानी कि 100 रुपए के नोट की
वैल्यू मजदूर के लिए, गरीब के लिए ज्यादा है, अमीर के लिए कम है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक ऐसा सिद्धांत है जो मुद्रा पे भी लागू होता है। जबकि मार्शल ने कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम इसके मानते हैं, इसके मान सकते हैं, लेकिन ऐसी 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 मान्यता जो कि को से खारिज कर दिया गया है। आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से बचा नहीं रहा। जिसके पास ज्यादा मुद्रा है वो मुद्रा की वैल्यू उसके लिए कम है, जिसके पास कम मुद्रा है। इसीलिए एक अमीर आदमी 100 रुपये ठीक दे रहा है, वही 100 रुपये का नोट एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करने के बाद कमा रहा है। तो सीमांत उपयोगिता का नियम इस पे भी लागू होगा और यह सिद्धांत की आलोचना का कारण रहा। प्यारे बच्चों, कंज्यूमर की एक और खासियत होती है, वो खाली सीमांत उपयोगिता के आधार पर पेमेंट नहीं करता, वह वस्तु की मांग की लोच को भी देखता है। ये आप वो जानता है कि ये वस्तु उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वस्तु उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वस्तु का उपभोग वो भविष्य के लिए पोस्टपोन कर सकता है, इस वस्तु का उपभोग वो भविष्य के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जब उसको ये पता है कि कोई वस्तु कितनी लोचशील है, उसके हिसाब से वो बार्गेनिंग करता है और बार्गेनिंग पावर के आधार पर ही वो वस्तु की कीमत को देता है, ना कि सीमांत उपयोगिता। इसके बाद आप देखेंगे हर व्यक्ति को इसमें, हर कंज्यूमर को विवेकशील समझा गया है। क्या ये संभव है कि सभी व्यक्ति समान रूप से विवेकशील हो? तो ये साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक अप्रोच नहीं माना जा सकता। अगर हम पांचवी इसकी आलोचना का आधार देखते हैं तो यूनिट ऑफ कंजम्पशन में वैल्यू। क्या बच्चों, एक ही पेड़ के अगर आप कोई भी फल निकालते हैं, तोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कोई बड़ा आम है, कोई छोटा आम है, कोई ज्यादा मीठा आम है, कोई कम मीठा आम है। तो ये संभव नहीं है कि हर वस्तु को एक स्टैंडर्डाइज, अब गिलास का भी साइज अलग अलग हो सकता है, चम्मच का भी साइज अलग अलग हो सकता है। सो यूनिट ऑफ कंजम्पशन में ऑल्सो वैल्यू, ये इसका आलोचना होने का एक और कारण माना गया। इस सिद्धांत ने एक और चीज मानी थी, यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु से जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं। क्या बच्चों, अगर ऐसा है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आप देखिए व्हीकल्स की डिमांड पर उसका असर पड़ता है। अगर आप देखेंगे किसी कार की कीमत बढ़ रही है तो उसका असर दूसरी वस्तु की डिमांड पर भी पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं वस्तुएं प्रतिस्थापन हो सकती है, वस्तुएं सब्स्टिट्यूट हो सकती है, वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर प्रतिस्थापन है, तो इन सच केसेस यूटिलिटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट। यूटिलिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, इसलिए उनकी प्राइसिंग भी ऐसी ही होती है। प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत की आलोचना मैंने आपको बताई कि मनुष्य को कैलकुलेटिंग मशीन नहीं माना जा सकता। साथ ही हमने आपको बताया कि उपयोगिता को हम गिन नहीं सकते, यूटिलिटीज को हम इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते, मार्जिनल यूटिलिटी और मनी को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। इस तरीके से इस आलोचना आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें एक नया सिद्धांत, जिसे हमने ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से जाना है, जे आर हिक्स का ये कहना था कि हमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक गिलास पानी को पीने से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसको हमें मापने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही हमें सभी व्यक्ति को समान रूप से विवेकशील समझना चाहिए। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि एक उपभोक्ता ये तो बता सकता है कि दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकते, जैसे वो बता सकता है कि अगर कितना चावल और कितनी चपातियां खाए कि उसका पेट भर जाएगा, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो निकाल सकते। So we cannot calculate the amount of satisfaction which we get by consuming a commodity, as man is not a calculating machine,
and there is no standardized measuring rod available for it. इसके लिए कोई हमारे पास rod भी available नहीं. We can certainly give a number of combinations of two different commodities which give equal level of satisfaction to a consumer. This is what is the belief of G.R. Hicks, and on this belief only he propounded the concept of indifference curve. Ordinal approach की अगर हम बात करें तो G.R. Hicks का कहना था, here we find there is no need to measure the utilities in terms of anything, but just to recognize different combinations which are giving equal satisfaction to a consumer. ये ordering out का matter था, एक scaling of preference का matter था, जो कि कोई भी consumer कर सकता है, ऐसा professor G.R. Hicks का मानना था. इनके साथ Slutsky भी लगे हुए थे, उनका भी रिसर्च आगे अभी हम बताएंगे. So if we get loci of different combinations of two different commodities that give equal satisfaction to the consumer, we shall get indifference. अगर हम ऐसे विभिन्न combinations को प्राप्त कर सकते हैं जिससे consumer को equal satisfaction मिल रहा है, तो उन combinations को मिलाकर जो हमें वक्र मिलेगा वो indifference curve कहलाएगा. अब इसके बारे में कुछ assumptions. Indifference curve या ऑर्डिनल अप्रोच की भी कुछ मान्यताएं हैं. सबसे पहले मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट. क्या है बच्चों, पहली मान्यता यह है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं, और कंज्यूमर को इस आय को दो वस्तुओं पे खर्च करना है, ना कि एक वस्तु पर. ये इसकी दो मान्यताएं हैं. तीसरी मान्यता है, इन्होंने एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट डाला. मोनोटोनिक प्रेफरेंस का ये मतलब होता है, अगर उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई कंजम्पशन को कम किए बिना दूसरे वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए. दूसरे शब्दों में, मोर कंजम्पशन लीड्स टू मोर और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ज्यादा उपभोग मतलब ज्यादा संतुष्टि का स्तर भी है, इसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अलावा उपभोक्ता जो है विवेकशील है, पर्सनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर है, इसमें कोई संदेह नहीं है. एल्फ्रेड मार्शल ने भी इस चीज को मारा. इसके अलावा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट दैट इज सेटिस्फाइबल, मीन्स जो भी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं उसको सारी के सारे स्थिर रहे, चाहे वो फैशन हो, चाहे गवर्नमेंट रेगुलेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे कोई और कारण. आइए देखते हैं इंडिफरेंस कर्व कैसे हम बनाते हैं. प्यारे बच्चों, हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं. एक उपभोक्ता है ऐसा जिसको अगर एक चपाती और 20 ग्राम चावल दें तो उसका पेट भर जाता है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पेट भरना, ऐसा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. जब उसको चपातियों की संख्या अगर आप बढ़ाते हैं और आप देखेंगे तो चावल की संख्या कम होगी. ऐसी स्थिति में चपाती की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए आप देखिए इसके अंदर वह राइस की 5 इकाइयों को त्यागने के लिए तैयार है. जैसे जैसे वो चपाती की संख्या 2 से 3 करता है और आप देखेंगे चीनी जो राइस की मात्रा है वो 15 ग्राम से 11 ग्राम पे आ जाता है. अब इस स्थिति में वो चपाती की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए राइस के 4 ग्राम को त्यागने के लिए तैयार है. जब वह चपाती की एक और संख्या बढ़ाता है, 4 इकाई करता है, उसको एक और कॉम्बिनेशन मिलता है कि राइस उसका और कम मिलता है. तो कोई भी कंज्यूमर ये बता सकता है कि कितनी चपातियां खाएगा. अगर चपातियों की संख्या ज़्यादा है तो राइस की संख्या कम होगी, तो वो उसका पेट भर जाएगा. सो इफ यू ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉमोडिटीज which give equal level of satisfaction to the consumer is known as indifference curve. Dear students, here consumer becomes indifferent. अब उसका कोई preference नहीं है, वो उदासीन है. हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं, उदासीनता वक्र. कंज्यूमर उदासीन है, चाहे उसको कॉम्बिनेशन ए मिल जाए, चाहे कॉम्बिनेशन बी मिल जाए, चाहे कॉम्बिनेशन एफ मिल जाए, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है. कंज्यूमर तटस्थ है, इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं,
इसको अनधिमान वक्र भी कहते हैं, हिंदी में बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, इनडिफरेंस कर्व। तो प्यारे बच्चों, ये जो इनडिफरेंस सेट है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई को हम कहते हैं इनडिफरेंस सेट, और उसको अगर हम डायग्राम के रूप में प्रेजेंट कर दें तो वो कहलाएगा इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट लोकाई ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ये झुका हुआ होता है। प्यारे बच्चों, इंडिफरेंस कर्व की दूसरी खासियत है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव नहीं होता जैसा कि पीपीसी होता है। पीपीसी का जस्ट उल्टा होता है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। अगर आप एक से अधिक अनधिमान वक्र बनाते हैं उसको हम अनधिमान मैप कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। इसके अलावा इसकी खासियत है कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऊंचा अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है, ये भी इसकी खासियत है। प्यारे बच्चों, पांचवी इसकी खासियत है, अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। छठी इसकी विशेषता है, आईसी जो है नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस, किसी एक्सिस को वो टच नहीं करते। सेवंथ फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेनी आईसीज कैन बी ड्रॉन इन बिटवीन टू आईसी, यू कैन ड्रॉ थाउजेंड्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व। दो अनधिमान वक्रों के मध्य आप चाहे जितनी अनधिमान वक्र को ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी स्किल पे डिपेंड करेगा, आपकी अपनी स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा अनधिमान वक्र वास्तव में बैंगल के, चूड़ी के आकार के होते हैं। ये सारे फीचर्स के बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली विशेषता मैंने आपको बताई, अनधिमान वक्र डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है ऋणात्मक संबंध, एक्स और वाई वस्तु के मध्य ऋणात्मक संबंध। अब अगर उपभोक्ता वस्तु एक्स की इकाई का कंजम्पशन बढ़ाता है तो वस्तु वाई की इकाई का कंजम्पशन उसे कम करना होगा टू रिमेन ऑन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर वो वस्तु एक्स की इकाई का कंजम्पशन बढ़ाता है और वाई को भी बढ़ा देता है तो वो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर हो जाएगा, अनधिमान वक्र भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर हैज टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर। तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी एंड कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये प्यारे बच्चों इसका मुख्य कारण है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का जो मैकेनिज्म है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस सीधा सीधा डिक्लेयर करता है मोर कंजम्पशन मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन, हायर सेटिस्फेक्शन मीन्स हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो दूसरी बात है, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। प्यारे बच्चों देखिए, ये कॉन्वेक्स है, अगर ये इस तरीके से होता है तो भी कॉनकेव कहलाता, अब ये इस तरीके से तो ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है, इसको हम हिंदी में उन्नतोदर कहते हैं। उन्नतोदर क्यों है, उसका कारण है कि इसके बीच में जो x और y के जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, x की अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए y की जितनी इकाइयां हम त्याग रहे हैं उसको हम MRSXY कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कम्युनिटी x एंड कम्युनिटी y कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे वस्तु x की इकाइयां बढ़ रही हैं, x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। दूसरी तरफ जैसे जैसे y की इकाइयां कम हो रही हैं, वैसे वैसे इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। मतलब वस्तु x यानी चपाती की संख्या बढ़ने के कारण उस हर प्रत्येक चपाती से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो रही है, और हर प्रत्येक राइस क्योंकि उसकी मात्रा कम होती जा रही है इससे सीमांत उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इसीलिए जब वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने की नौबत आती है, प्रतिस्थापित करने की नौबत आती है, प्यारे बच्चों, तो फॉर एवरी यूनिट्स ऑफ चपातीज कंज्यूमर विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट ऑफ कॉमोडिटी वाई दैट इज राइस, बिकॉज
ड्यू टू फॉल इन द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ राइस द अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच ही इज गेटिंग फ्रॉम राइस इज इंक्रीजिंग ऑन द कॉन्ट्रेरी मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच ही इज गेटिंग बाय कंज्यूमिंग चपातीज आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर. तो इसलिए जब भी वो प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेगा, आप देखिए यहाँ हम अगर आपको डायग्राम को बड़ा करके दिखाते हैं, आप देखिए सबसे पहले इनिशियली वो देखेंगे आप तो वस्तु x की ओ एक्स जीरो कंज्यूम कर रहा है, वस्तु y की ओ वाई जीरो कंज्यूम कर रहा है. अब वस्तु x की इकाई x जीरो से बढ़ाकर x वन करने के लिए उसने y जीरो y वन को क्या दिया है, एरो जो रेड कलर का एरो है वो बता रहा है कितना अमाउंट y का उसने क्या लिया है. एक्स की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए प्यारे बच्चों जब आप देखते हैं तो वो एक्स जीरो से बढ़कर एक्स वन होता है, इसके बाद एक्स वन से बढ़कर वो एक्स टू होता है. जैसे ही वो एक्स जीरो से एक्स वन करता है आप देखेंगे कि इसकी एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए उपभोक्ता ने वाई की वाई वन से घट करके वाई टू पे आ गया. अब ये एरो छोटा हो गया यानी अमाउंट ऑफ वाई विच ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स इज डिक्लाइनिंग. कारण है क्योंकि उसको सीमांत उपयोगिता वाई से जो है बढ़ती जा रही है, इसलिए वो सीमांत वस्तु वाई की कम से कम इकाई को त्यागने के लिए अब त्याग हो रहा है. जैसे जैसे वो एक्स का बढ़ा रहा है कंजम्पशन, आप देखिए इसके अंदर सीधा सीधा वाई का कंजम्पशन वाई के त्यागने की संख्या कम करता जा रहा है. तो ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कम्युनिटी एक्स एंड वाई दिस कर्व बिकम्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. Why it is convex? It's a very important concept and definitely is going to be asked in your almost all the examinations. So once again, I would like to add on MRSXY due to applicability of law of diminishing MRSXY, consumer indifference curve will be convex to the origin. IC map. When we talk about IC map, agar aap एक अनधिमान एक एक्सिस पे एक से अधिक अनधिमान को ड्रॉ करते हैं तो वो अनधिमान मैप कहलाता है. प्यारे बच्चों आईसी जीरो आईसी वन आईसी टू आईसी थ्री आर फोर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स फॉर द सेम कंज्यूमर एंड फॉर टू कमोडिटीज. अब ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर है अगर आईसी वन पे वो ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन इन कंपेरिजन टू आईसी जीरो whereas he is getting more satisfaction from IC2 in comparison to IC0 and IC1 and definitely he is getting more satisfaction at IC3 in comparison to all the other IC0, IC1, IC2. So this is what we have to discuss in the next point only. Higher IC shows higher level of satisfaction. How? Agar aap iske andar dekhenge, अगर आप एक पॉइंट लेते हैं के ऑन आईसी जीरो और आप देखते हैं कि कंज्यूमर जो है वस्तु एक्स का ओ एक्स जीरो कंज्यूम कर रहा है एंड वस्तु वाई का ओ वाई जीरो कंज्यूम कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जब वो आईसी वन की तरफ मूव करता है फ्रॉम पॉइंट के टू सी अगर वो जाता है आप देखेंगे ही कैन कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स दैट इज फ्रॉम ओ एक्स जीरो ही कैन कंज्यूम ओ एक्स टू and without decreasing the consumption of y. y का consumption वो same रखकर इस स्थिति में देखिए y का consumption वो same रखकर और x का consumption वो बढ़ाने में सफल है अगर वो k से c बिंदु पर जाता है. more consumption means higher level of satisfaction which is shown by monotonic preference. अभी हमने monotonic preference के बारे में आपको बताया. अगर वो चाहे तो k बिंदु से a बिंदु पर जाए, अगर के से वो ए पे जाता है इस केस में वो एक्स का कंजम्पशन कम नहीं करता है, वाई का कंजम्पशन बढ़ा देता है. प्यारे बच्चों अगर वाई का कंजम्पशन बढ़ा रहा है बिना एक्स के कंजम्पशन को कम किए तो भी वो हायर सेटिस्फेक्शन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जाएगा. अगर वो एक्स को कम किए बिना वाई को कम किए बिना एक्स को बढ़ा देता है तब भी वो हायर सेटिस्फेक्शन पे जाएगा. अगर वो चाहे तो थोड़ा सा वस्तु एक्स को बढ़ा दे और थोड़ा सा वस्तु वाई को बढ़ा दे. इस स्थिति में अगर आप देखते हैं तो बी पॉइंट पे जाने पे उपभोक्ता ओ एक्स जीरो के बजाय ओ एक्स वन इकाई वस्तु एक्स का कंज्यूम कर रहा है
और वस्तु वाई का ओ वाई जीरो से बढ़ाकर ओ वाई वन कर रहा है। अब आप देखिए, चाहे वो पॉइंट ए हो, ही कंज्यूम्स मोर ऑफ वाई विदाउट रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ एक्स, चाहे वो पॉइंट सी हो वेयर ही इज कंज्यूमिंग मोर यूनिट ऑफ एक्स विदाउट रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ वाई, चाहे कॉम्बिनेशन बी हो वेयर ही इज कंज्यूमिंग लिटिल बिट मोर यूनिट ऑफ क्वांटिटी एक्स एज वेल एज क्वांटिटी वाई। तो ऑलमोस्ट ऑन ऑल द पॉइंट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर अमाउंट ऑफ गुड्स आइदर ऑफ एक्स और ऑफ वाई विदाउट रिड्यूसिंग द अदर। दैट्स वाई सिंस ही इज कंज्यूमिंग मोर अमाउंट ऑफ गुड्स, दैट्स वाई ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन। बाई दिस यू कैन प्रूव दैट हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम इसके आगे जाए तो टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्यारे बच्चों, दो अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए हम यहाँ दो अनधिमान वक्र दिखा रहे हैं आपको, आईसी वन दिखा रहे हैं और आईसी जीरो दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पॉइंट बी पर आप देखिए दोनों अनधिमान वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन बी की बात करते हैं तो वस्तु एक्स और वस्तु वाई की एक सर्टेन इकाई उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा है आईसी जीरो पे भी, वही इकाई कंज्यूम कर रहा है आईसी वन पे। तो सिंस ही इज कंज्यूमिंग सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई फ्रॉम बोथ आईसीज, देयरफॉर ही इज गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम आईसी जीरो एंड आईसी वन। लेकिन अगर हम इसके ऊपर पॉइंट ए पे जाते हैं तो हम पाते हैं पॉइंट ए पे देखिए आईसी वन इज हायर देन आईसी जीरो। हमने अभी कहा पॉइंट बी पर दोनों आईसी से समान संतुष्टि मिल रही है। अब हम कह रहे हैं पॉइंट ए पर क्योंकि आईसी वन हायर है इसलिए उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आईसी वन से इन कंपेरिजन टू आईसी जीरो। अब अगर आप पॉइंट सी को देखते हैं, सी बिंदु पर हम क्या पाते हैं आईसी जीरो हायर है। तो अब हम यहाँ अपना स्टेटमेंट फिर बदल रहे हैं। पहले हमने कहा पॉइंट बी पर दोनों से समान संतुष्टि है, फिर हमने कहा पॉइंट ए पर उसको आईसी वन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब हम कह रहे हैं पॉइंट सी पर उसे आईसी जीरो से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब ये देखिए एक कॉन्ट्रेडिक्शन है मेरे स्टेटमेंट में। ये तभी संभव है जब दोनों कर्व एक दूसरे को मर्ज कर जाए, एक दूसरे के ऊपर समान रूप से स्थापित हो जाए। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इंडिफरेंस कर्व मे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंज्यूमर विल बी कंज्यूमिंग इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एक्स एंड वाई फ्रॉम बोथ द आईसीज, देयरफॉर विल बी द इंडिकेटर ऑफ इक्वल सेटिस्फेक्शन। वेयर एज इफ वी मूव टुवर्ड्स अपवर्ड सम अदर आईसी विल बी हायर, एंड इफ वी मूव डाउनवर्ड द नेक्स्ट वन आईसी विल बी हायर। इन दिस केस ड्यू टू दिस कॉन्ट्रडिक्शन इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस और अंटिल दीज टू इंडिफरेंस कर्व्स आर नॉट मर्ज्ड कंप्लीटली विद ईच अदर। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू दैट टू आईसीज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो आईसी कभी भी ना तो एक्स अक्ष को टच करेगा ना वाई अक्ष को टच करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अनधिमान वक्र बनाया ही इसी मान्यता पर गया है कि उपभोक्ता अपनी वस्तु को, अपने आय को, अपनी इनकम को दो वस्तुओं पर खर्च करता है, एक वस्तु से संबंधित अनधिमान वक्र नहीं होता। अब अगर अनधिमान वक्र बिंदु ए पे टच कर रहा है, आप इस बिंदु ए पर आप देखेंगे वाई का तो वो ओ वाई ओ ए अमाउंट ऑफ गुड्स को कंज्यूम करता है, लेकिन इस केस में वस्तु एक्स की वो जीरो इकाई का कंज्यूमशन करता है। जबकि हम बी पॉइंट पर अगर जाकर देखते हैं तो बी पॉइंट पे वो वस्तु वाई का कंजम्पशन उसका जीरो हो गया है। सो अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी अनधिमान वक्र किसी भी अक्ष को टच करता है, कम से कम एक वस्तु का उपभोग शून्य हो जाता है, जो कि अनधिमान वक्र की आधारभूत मान्यता के खिलाफ है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। सो टू आईसीज नेवर टच एनी आईसी, नेवर टच एनी वन ऑफ द एक्स, ये भी इसकी खासियत। Many ICs can be drawn in between two ICs. प्यारे बच्चों, आप अपने दो अनधिमान वक्रों के बीच में millions of ICs,
थाउजेंड्स ऑफ आईसीज कैन बी ड्रॉन, ये इसकी सिद्धांतिक परमिशन है। डिपेंड करेगा आपकी स्किल क्या है, आपकी ड्रॉ करने की क्षमता क्या है। तो यू कैन ड्रॉ थाउजेंड्स ऑफ आईसीज इन बिटवीन टू इंडक्टेंस कर्व, ये इसकी क्वालिटी है एंड इट इज पॉसिबल। अनधिमान वक्र बैंगल के आकार के होते हैं, चूड़ी के आकार के होते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी बिटवीन एक्स एंड वाई, ये इंडिकेट करता है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूमर इज गोइंग टू सेक्रीफाइस। एक स्टेज ऐसी आती है जब वो वाई को पाने के लिए एक्स को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो इसका आकार चूड़ी के आकार का हो जाता है, लेकिन हम अध्ययन के पर्पज से उसका एक ही आकार, एक ही पार्ट हम अध्ययन करते हैं जो कि कॉन्वेक्स शुदा ओरिजिन होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बजट लाइन का निर्माण करेंगे। अनधिमान वक्र आपको बताता है कि आप जैसे जैसे ऊंचे अनधिमान वक्र पर जाएंगे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऊंचा हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अब आप यहां देखिए कि हर उपभोक्ता की कोशिश होगी को हाईएस्ट पॉसिबल अनधिमान वक्र पर जाए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी क्योंकि अनंत कोई सीमा नहीं है, अनंत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन उपभोक्ता की जो आय है, वस्तुओं की जो कीमतें हैं, वो उसको प्रतिबंधित करेंगी, वो उसको रोकेंगी, वो उसको मजबूर करेंगी चुनाव करने के लिए। प्यारे बच्चों, नाउ यू हैव टू ड्रॉ बजट लाइन। बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले कंज्यूमर की इनकम चाहिए जो कि हम वाई से इंडिकेट करते हैं। इस केस में हमने 100 रुपये मानी है, वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई मानी है, वस्तु वाई की कीमत हमने 20 रुपये प्रति इकाई मानी है। प्यारे बच्चों, बजट लाइन बहुत सरल तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पी जीरो एक्स है, दिस इज पी जीरो इज द प्राइस ऑफ क्वांटिटी एक्स एंड पी वन इज द प्राइस ऑफ क्वांटिटी वाई। वस्तु एक्स और वाई ये दोनों कॉमोडिटीज है। द अमाउंट विच यू स्पेंट ऑन क्वांटिटी एक्स इज इंडिकेटेड बाय पी जीरो एक्स एंड द अमाउंट विच यू हैव स्पेंट ऑन क्वांटिटी वाई इज इंडिकेटेड बाय पी वन वाई एंड द सम ऑफ द अमाउंट विच यू हैव स्पेंट ऑन क्वांटिटी एक्स एंड क्वांटिटी वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम, जो आपके पास 100 रुपये है। अगर हम ये जो इसके बेस पर हम अगर इन डिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं, बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बजट लाइन। पी जीरो एक्स प्लस पी वन वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू वाई, दैट इज मीन्स, दैट मीन्स इनकम। अब अगर कंज्यूमर्स अपने पास जो उसके पास 100 रुपये है वो सारा का सारा वस्तु वाई पर खर्च करता है, वस्तु एक्स को वो 0 खरीदता, वस्तु वाई पर वो पूरा का पूरा अमाउंट खर्च करता है। वस्तु वाई की कीमत है 20 रुपये, उसके पास इनकम है 100 रुपये और इस स्थिति में वो 5 इकाई वस्तु एक्स की, वस्तु वाई की 5 इकाई खरीद सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वस्तु एक्स का वो एक भी इकाई नहीं खरीदेगा। अब वो अगर सारा का सारा पैसा वो वस्तु एक्स को खरीदने पे लगा दे, वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपये है, वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपये है और उसके पास इनकम है 100 रुपये, 100 रुपये को 10 रुपये के हिसाब से खर्च कर सकता है, तो 10 इकाई वो वस्तु एक्स ही खरीद सकता है, ऐसी स्थिति में वाई उसके पास बिल्कुल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम इन दोनों एक्सट्रीम्स को देखें, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट डी के रूप में अगर हम इसको कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर दें तो हमें एक बजट लाइन मिलता है। बजट लाइन की खासियत क्या है? बजट लाइन पर स्थित सभी कॉम्बिनेशन पे उपभोक्ता अपनी पूरी इनकम को खर्च करता है। बजट लाइन पर स्थित सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता अपनी पूरी की पूरी इनकम को खर्च करता है। सपोज हम एक कॉम्बिनेशन बी लेते हैं, अगर बी कॉम्बिनेशन की हम बात करें, उपभोक्ता ने वस्तु एक्स की 2 इकाइयां खरीदी है, यानी कि 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये उसने वस्तु एक्स पे खर्च किया है और 20 रुपये के हिसाब से 4 इकाई वस्तु वाई की खरीदी, तो 80 रुपये उसने वस्तु वाई पे खर्च किए हैं, 20 रुपये वस्तु एक्स पे खर्च किए, टोटल इनकम उसकी खर्च हो गई है। कॉम्बिनेशन सी की अगर हम बात करते हैं तो सी का भी यही कुछ है,
चार इकाई उसने वस्तु एक्स की खरीदी, यानी 40 रुपए उसने वस्तु एक्स के पे खर्च किए हैं, और 3 इकाई उसने वस्तु वाई की खरीदी, यानी 20 या 60 रुपए उसने वस्तु वाई पे खर्च किए। तो अगेन आप देखेंगे 100 रुपया उसका पूरा खर्च हो गया। तो बजट लाइन की खासियत है, उसकी प्रॉपर्टी है, द अमाउंट दिस एनी कॉम्बिनेशन ऑन बजट लाइन शोज कंज्यूमर इज स्पेंडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ इनकम ऑन एक्स एंड वाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सो अगर हम इसके नीचे के जो ग्रीन पार्ट है देखते हैं, इसके नीचे कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो उपभोक्ता खर्च कर सकता, क्रय कर सकता है, इट इज अंडर हिज बजट। सो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं, प्राप्य संयोग, ऐसे कॉम्बिनेशन जो वो प्राप्त कर सकता है अपनी इनकम से और दी गई वस्तु की कीमतों से, ये ग्रीन एरिया से आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम पॉइंट एफ की बात करते हैं, जो कि आप देखेंगे ऊपर है बजट लाइन के दाईं हाथ दाईं तरफ है, ये अनअटेनेबल एरिया में है, जिसे उपभोक्ता अपनी वर्तमान इनकम और वर्तमान वस्तुओं की कीमतों से नहीं प्राप्त कर सकता। सो आइए देखते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन एफ, जहां पे हम देखते हैं 5 इकाई वस्तु एक्स की खरीद रहा है और 7 इकाई वस्तु वाई की, यानी कि अगर वो वस्तु एक्स को खरीद रहा है तो 50 रुपए उसे 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए वस्तु एक्स पे खर्च करना है, और 20 रुपए के हिसाब से 7 इकाई, यानी आप देख सकते हैं 140 रुपए इस पे खर्च करना है। तो 140 और 50 आप देखिए 190 रुपए उसके पास है कि ना, 100 रुपए है, तो 190 रुपए का सामान वो नहीं खरीद सकता। पॉइंट जी हम आपको एक और दिखाते हैं। इस पॉइंट जी की खासियत देखिए, डायग्राम में भी दिया हुआ है और हमने न्यूमेरिकली भी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, अगर वो वस्तु एक्स की 2 इकाई खरीदता है तो उसे 20 रुपए खर्च करने, और वस्तु वाई की 3 इकाई खरीदता है तो उसे 60 रुपए खर्च करने। तो 60 रुपए वाई पे और 20 रुपए एक्स पे, आप देखिए उसका टोटल खर्चा 80 रुपए है, अभी उसके पास 20 रुपए बचे। तो ये जी वाला कॉम्बिनेशन अटेनेबल है, लेकिन यहाँ उसका कुछ पैसा बच जा रहा है, तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट है। अभी हमने बताया हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरा हमने आपको बता दिया कि कंज्यूमर का जो बजट लाइन है वो उसके प्रतिरोधक का काम करेगा, स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, क्योंकि कंज्यूमर का लक्ष्य होगा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे पहुंचना, लेकिन उसकी आय और 2 वस्तुओं की कीमतों से बना हुआ यह बजट लाइन उसके लिए रुकावट का काम करेगा। आइए देखते हैं उसका सेटिस्फेक्शन, उसका संतुलन कैसे प्राप्त होगा, अगर बजट लाइन और अनधिमान वक्त दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है तो। इससे पहले हमें एक और चीज जानकारी होनी चाहिए, क्या होगा जब वस्तु एक्स की कीमत कम होगी, क्या होगा जब वस्तु वाई की कीमत कम होगी, उसका प्रभाव बजट लाइन पर क्या पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये जो स्काई ब्लू कलर का है AD बजट लाइन, ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। जब वस्तु एक्स की कीमत कम हो जाती है, 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाती है, और अगर वो सारा का सारा पैसा एक्स पे खर्च करता है, 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाते हैं, यानी 100 रुपया अब उसको 5 रुपए के हिसाब से खर्च करना है, तो वो 20 इकाई खरीद सकता वस्तु एक्स की। लेकिन ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, क्योंकि वस्तु वाई की कीमत अभी भी 20 रुपए ही है, इसलिए वो वस्तु वाई की मात्रा को नहीं बढ़ा सकता। तो जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है, बजट लाइन उसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, दूसरी वस्तु की मात्रा उसी पे रहेगी, तो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिनलिटी जो होगी वो वही होगी जहां पे आपका स्टार्टिंग है। अगर वस्तु वाई की कीमत कम होती है तो आप देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे डी पॉइंट पे वस्तु वाई का जो आरंभिक बजट लाइन है, आप देखिए वो यहाँ पे जीरो पॉइंट डी पर वस्तु एक्स की वो 10 इकाई खरीद रहा है और वस्तु वाई की 0 इकाई खरीद रहा है, लेकिन पॉइंट ए पर वो क्या कर रहा है, वस्तु वाई की 5 इकाई खरीद रहा है, वस्तु एक्स की 0 इकाई खरीद रहा है। प्यारे बच्चों, जब वस्तु वाई की कीमत कम होगी तो अब वो बस जैसे 20 रुपये से घट करके 10 रुपये हो गई, अब सारा पैसा अगर वो वस्तु वाई को खरीदने पे लगाता है तो ऐसी स्थिति में वो 100 रुपये को
₹10 के हिसाब से खरीदने पर लगाता तो वस्तु वाई की वो ज्यादा इकाई खरीद सकता है, क्योंकि वस्तु एक्स की कीमत स्थिर है, इसलिए उसका ये जो पार्ट है डी पॉइंट से ही ओरिजिनेट होगा। तो इन कंक्लूजन वी कैन से जिस वस्तु की कीमत कम होगी उपभोक्ता उसका जो बजट लाइन है वो उसी वस्तु की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विल रिमेन अनचेंज्ड इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस। क्या होगा जब इनकम बदल जाए? प्यारे बच्चों, इनकम के केस में जस्ट उल्टा होता है। अगर ₹100 से बढ़कर कंज्यूमर की इनकम ₹200 हो जाती है तो अब उपभोक्ता का बजट लाइन भी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए जो ए बी बजट लाइन है वो शिफ्ट होकर के सी डी बजट लाइन बन जाएगा। पहले उपभोक्ता वस्तु वाई की 5 इकाई खरीद सकता था, वो 10 खरीद सकता है क्योंकि इनकम डबल हो गई है। पहले उपभोक्ता वस्तु एक्स की 10 इकाई खरीद सकता था, वो 20 इकाई खरीद सकता है। दोनों ही वस्तुओं की कीमत स्थिर है। यहाँ पे पी एक्स अपॉन पी वाई स्थिर है, इसलिए जो शिफ्टिंग होगी वो पैरेलल शिफ्टिंग होगी। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अगर ₹100 से घट करके ₹50 हो जाए इनकम, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे रेड कलर की जो बजट लाइन है वो बन जाएगी। अब अगर सारा का सारा पैसा उपभोक्ता वस्तु वाई पे खर्च करता है तो वो इसकी 2.5 इकाई खरीद सकता है। सारा का सारा पैसा अगर वो वस्तु एक्स पे खर्च करता है तो उसके ₹50 आए ₹10 कीमत के अनुसार 5 यूनिट खरीद सकता है। तो पैरेलल शिफ्टिंग होगी अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों आइए अब देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन कैसे स्थापित होगा। अभी हमने आपको बताया बजट लाइन के बारे में, हमने आपको बताया उपभोक्ता के अनधिमानों के बारे में। उपभोक्ता का लक्ष्य होगा उच्चतम संभव अनधिमान वक्र की तरफ जाना, प्राप्त करना। IC0 से वो भागेगा IC1 की तरफ, IC1 से भागेगा वो IC2 की तरफ। लेकिन उस रुकावट उसके रास्ते में होगा बजट लाइन, जो कि यहाँ पे हमने PL के रूप में दिखाया है। PL के नीचे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं बस उपभोक्ता अपने पास उपलब्ध आय से क्रय कर सकता है। प्यारे बच्चों संतुलन के लिए जरूरी है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। इसको आप MU x / MU y के रूप में भी माप सकते। एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। प्यारे बच्चों टेक्निकलिटीज में अभी हम नहीं जाते, हम आपको संतुलन की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि प्राइस लाइन या बजट रेखा जो है PL है, और इस प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन बताती है कि उपभोक्ता खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। उपभोक्ता का इरादा, उपभोक्ता की चाहत ये बताती है कि वो अधिकतम उच्चतम अनधिमान वक्र की तरफ अग्रसरित हो, आगे से ऊंचे से ऊंचे अनुमान वक्र की तरफ बढ़े। ऐसा करने की स्थिति में आप देखिए एक 3 बिंदु हमें मिल रहे हैं, पॉइंट ए बी एंड ई। पॉइंट ए बी एंड ई दोनों पर ही आप देखेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर सेम। लेकिन आप देखेंगे पॉइंट ई पे उपभोक्ता संतुलन में इसलिए कहलाएगा क्योंकि IC1 इज गिविंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर इन कंपेरिजन टू द कॉम्बिनेशन स्टेब्लिस्ड ऑन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो उपभोक्ता का संतुलन पॉइंट ई पर होगा। पॉइंट एफ पर वो जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो बियॉन्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए वो उस कॉम्बिनेशन को नहीं खरीद सकता। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल बी एट द पॉइंट वेयर प्राइस, एट द पॉइंट वेयर प्राइस लाइन, the slope of the price line that is px upon py is equal to the slope of budget line that is MRSXY or MUX upon MUY। अगर हम आगे बढ़े तो इनकम कंजम्पशन कर्व की हम बात करेंगे, आय उपभोग वक्र। प्यारे बच्चों यहां देखिए हमने डिफरेंट बजट लाइन बनाई है, A0 B0 पहला बजट लाइन है। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो A1 B1 बजट लाइन मिलता है। कंज्यूमर की इनकम और बढ़ी
तो ए टू बी टू बजट लाइन मिलता है, कंज्यूमर की इनकम और बढ़ी तो ए थ्री सी थ्री बजट लाइन मिलता है। अब अगर वस्तु की क्वालिटी अच्छी है तो उपभोक्ता का संतुलन इस प्रकार होगा कि जैसे ही उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है, वस्तु एक्स की भी ज़्यादा इकाई खरीदना चाहेगा, वस्तु वाई की भी ज़्यादा इकाई खरीदना चाहेगा। शर्त है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर नॉर्मल और गुड क्वालिटी। आप देखिए, जैसे ही इनकम बढ़ती है, उपभोक्ता ऊंचे अनुमान वक्र आई सी वन पे चला जाता है, ई जीरो से शिफ्ट होकर ई वन पे चला जाता है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि पहले वो वस्तु एक्स की ओ एक्स जीरो खरीद रहा था और वस्तु वाई की वो ओ वाई जीरो खरीद रहा था, जो कि बढ़ाकर उसने ओ एक्स वन और ओ वाई वन खरीदना शुरू कर दिया है। जैसे उसकी इनकम और बढ़ती है, अब उसकी जो संतुलन बिंदु है वो ई वन हो जाता है। ई वन से भी अगर देखेंगे हम तो ई वन की स्थिति में वो क्या कर रहा है, ओ एक्स टू इकाई वस्तु एक्स की खरीद रहा है और ओ वाई टू इकाई वस्तु वाई की खरीद रहा है। यानी एक्स का भी उसने मात्रा बढ़ा दिया है और वाई का भी मात्रा बढ़ा दिया है। ये बताता है प्यारे बच्चों कि वस्तु एक्स की भी अच्छी क्वालिटी की है और वस्तु वाई भी अच्छी क्वालिटी की है। आइए देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। एक अनधिमान वक्र आपको, एक इनकम कंजम्पशन कर्व आपको ऐसा मिलेगा, सारे संतुलन बिंदुओं को आप बढ़ा मिला दीजिए, आपको एक ऐसा आय उपभोग वक्र मिलेगा जो कि स्ट्रेट होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा दोनों की क्वालिटी अच्छी है। इसलिए जैसे ही इनकम बढ़ी, कंज्यूमर ने वस्तु एक्स की भी अधिक इकाई का कंजम्पशन किया, वस्तु वाई की भी अधिक इकाई का कंजम्पशन किया। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी वस्तु को हम दिखा रहे हैं जिसमें वस्तु एक्स इंफीरियर वस्तु है। इंफीरियर वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसकी आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, जिसकी क्वालिटी खराब होती है। खराब क्वालिटी के कारण उपभोक्ता की आय जैसे बढ़ती है, वैसे वो उस वस्तु की मांग को कम कर देता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने आपको दिखाया है कि वस्तु एक्स इन्फीरियर है। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है और बजट लाइन शिफ्ट होकर A0 B0 से शिफ्ट होकर A1 B1 होता है, उपभोक्ता का संतुलन शिफ्ट होकर E0 से E1 हो जाता है। पहले वो वस्तु X का OX0 खरीद रहा था, अब वो वस्तु का OX1 खरीद रहा है। ऐसा क्यों किया है उसने? क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब है। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम लोग चाइनीज मोबाइल, चाइनीज टॉयज जो सस्ते तो होते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं होते जो बाकी इंडियंस या और अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, हम चाइनीज प्रोडक्ट से अपने आप को स्विच ओवर करते हैं, उनकी डिमांड कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फीरियर इन क्वालिटी होते हैं। यही चीज़ हम इस चीज़ में इस डायग्राम के मध्य से दिखा रहे हैं। उपभोक्ता की आय और बढ़ी, उसका बजट लाइन और ऊपर शिफ्ट हुआ, ए टू बी टू हो गया, संतुलन भी उसका ई पॉइंट ई टू पे हो गया। संतुलन का स्तर उसका आई सी जीरो से बढ़कर आई सी वन पे हुआ था, अब आई सी टू पे हो गया। संतुलन का स्तर बढ़ रहा है लेकिन वो वस्तु एक्स की कम इकाइयों का उपभोग कर रहा है। और ताज्जुब करेंगे, जिस वस्तु की क्वालिटी अच्छी है, वस्तु वाई इसमें अच्छी क्वालिटी की है, वो वस्तु वाई की तरफ उस पैसे को लगा रहा है। बढ़ी हुई आय को वो वस्तु वाई पे लगा रहा है, बल्कि वो वस्तु एक्स की मात्रा को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी खराब है। सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इनकम इफेक्ट हमेशा घटिया वस्तुओं के संदर्भ में जिनकी क्वालिटी खराब है हमेशा ऋणात्मक ही होता है। तो यहां पे आप बजट लाइन देखते हैं जो बैकवर्ड बेंडिंग है। बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, उपभोक्ता वस्तु एक्स, क्योंकि एक्स की क्वालिटी खराब है इसलिए उपभोक्ता वस्तु एक्स की मांग को कम कर रहा है। इसके बाद अब हमने जो डायग्राम आपके सामने रखा है, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि उपभोक्ता की आय के बढ़ने से उपभोक्ता वस्तु वाई की मात्रा को कम खरीद रहा है, वस्तु एक्स की मात्रा को बढ़ा रहा है। इसका क्या मतलब है? बढ़ी हुई आय को वो वस्तु एक्स की मात्रा को बढ़ाने पे खर्च कर रहा है, वस्तु एक्स से भी पैसा निकाल रहा है। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ वाई इज इन्फीरियर। इससे पहले के डायग्राम में वस्तु एक्स इन्फीरियर था, इस डायग्राम में वस्तु वाई इन्फीरियर है। तो वस्तु वाई की क्वालिटी खराब है, इसलिए उपभोक्ता की आय के बढ़ते ही जैसे ही उसका संतुलन हायर स्तर पर जाएगा,
वो क्या करेगा, वस्तु एक्स की मात्रा को बढ़ाएगा, वस्तु वाई की मात्रा को कम करेगा, क्योंकि वाई इसमें घटिया है। अगर हम इन तीनों डायग्राम्स को देखते हैं तो अगर आपका ये जो ब्लू कलर का डायग्राम है ये बताता है वस्तु एक्स और वाई दोनों की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए उपभोक्ता की इनकम जैसे बढ़ेगी उसका संतुलन इस प्रकार राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि वस्तु एक्स और वाई दोनों की मात्रा को अधिक खरीदेगा। अगर वस्तु एक्स इंफीरियर है तो वो बैकवर्ड बेंडिंग होगा। बैकवर्ड बेंडिंग ये बताएगा इनकम बढ़ते ही उपभोक्ता का संतुलन इस प्रकार परिवर्तित होगा कि वस्तु वाई की मात्रा को अधिक खरीदेगा और वस्तु एक्स की मात्रा को कम करेगा। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये ग्रीन कलर का जो ICC मिला है आपको, आय उपभोग वक्र, ये बताता है कि वस्तु वाई इसमें इन्फीरियर है और वस्तु एक्स इसमें अच्छी क्वालिटी की है। उपभोक्ता की आय जैसे बढ़ेगी वह वस्तु एक्स पे खर्च करेगा, वस्तु वाई की मांग को कम कर देगा। प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो क्या होता है? कीमत के कम होते ही हम देखते हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। सपोज आपके पास 100 रुपये हैं, वस्तु की कीमत 10 रुपये है, आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, 10 इकाई खरीदी। लेकिन अगर आपकी वस्तु की कीमत 5 रुपये हो जाती है और आप 10 इकाई खरीदते हैं तो अब आपके पास कुछ पैसा बच जाता है। तो जैसे ही ये जो बचा हुआ पैसा, इसे हम रियल इनकम कहते हैं। इस बचे हुए पैसे को आप उस वस्तु की ही मात्रा पे व्यय करेंगे या उस पे नहीं करेंगे, ये डिपेंड करेगा वस्तु की क्वालिटी पे, जैसा कि अभी हमने ICC के कंस्ट्रक्शन की सहायता से कराया है। प्यारे बच्चों, कमोडिटी विद नो चेंज इन प्राइस बिकम्स कॉस्टलियर एक और खासियत होती है, जैसे ही एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु जिसकी कोई कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो अपने आप ही महंगी हो जाती है जब हम तुलना करते हैं। सपोज चाय की कीमत कम होती है तो आप देखेंगे कॉफी अपने आप महंगी हो जाएगी, जबकि कॉफी की कीमत उतनी ही है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो जब हम इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इनकम इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही प्राइस कम हुई उसका रियल इनकम बढ़ा, उस रियल इनकम का क्या काम करना है, उसने कैसे खर्च करना है, ये इनकम इफेक्ट है। और प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहेंगे, अब वो वस्तु तुलनात्मक रूप से दूसरी वस्तु से महंगी होगी, ऐसी स्थिति में को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। वास्तव में J.R. हिक्स ने क्या किया था, प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का टोटल जो है वो कीमत प्रभाव कहलाता है। एज सून एज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपको आय प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताएंगे। आय प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर उपभोक्ता के पास 100 रुपये हैं, वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपये है, ही कैन बाय 10 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी एक्स। जब प्राइस कम हो जाती है, 10 रुपये से घट करके 5 रुपये हो जाती है, अब वो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा एग्जांपल दिया हमने, अगर कीमत 10 रुपये से घटकर 5 रुपये हो जाती है, 10 इकाई वो खरीद रहा है तो अब उसका खर्चा 50 रुपये है, 50 रुपये उसका बढ़ गया। इस बढ़े हुए 50 रुपये से वो वस्तु एक्स की ही मात्रा को बढ़ाएगा, तब बढ़ाएगा जब क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। अगर क्वालिटी खराब होगी तो उस वस्तु इस पैसे को वो वस्तु वाई पे खर्च करेगा जिसकी क्वालिटी तुलनात्मक रूप से अच्छी। तो इनकम इफेक्ट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी वो उसकी मांग को कम करेगा क्योंकि क्वालिटी खराब है। बट आगे अगर हम देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की खासियत आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। ई फॉर चाय है, यहाँ पे टी है, और सी फॉर कॉफी है। प्यारे बच्चों, जैसे ही चाय की कीमत बढ़ती है, आप देखिए यहाँ पे चाय की कीमत बढ़ते ही डिमांड फॉर चाय टी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि डिमांड फॉर कॉफी बढ़ जाती है। जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी
वहां से कंज्यूमर शिफ्ट होकर दूसरे वस्तु की, उसके प्रतिस्थापन वस्तु की मांग को बढ़ाते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है। प्राइस फॉलिंग कमोडिटी में हमेशा कंज्यूमर्स शिफ्ट होकर के आते हैं दूसरी वस्तु, उसके प्रतिस्थापन वस्तु की तुलना में। तो शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर ड्यू टू फॉल इन द प्राइस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब क्या होता है, प्राइस फॉलिंग कमोडिटी बिकम्स मोर चीपर इन कंपेरिजन टू द कमोडिटी विद नो चेंज इन द प्राइस। जिस कमोडिटी की कोई प्राइस में चेंज नहीं आया है वो अपने आप महंगी हो जाएगी, और जिस वस्तु की कीमत कम हुई है कंपेरेटिवली और चीपर हो जाएगी, तो क्योंकि वो प्रतिस्थापन वस्तु है। हेंस कंज्यूमर्स ऑफ अदर कमोडिटी विद नो चेंज इन प्राइस विल स्टार्ट शिफ्टिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स द प्राइस फॉलिंग कमोडिटी। नेचुरल ये, जिस वस्तु की कीमत कम हो रही है अदर वस्तु, उसके जो रिलेटेड वस्तु हैं वहां से कंज्यूमर शिफ्ट होकर के प्राइस फॉलिंग कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो जब भी प्राइस कम होगा प्रतिस्थापन प्रभाव उस वस्तु की मांग को हमेशा बढ़ाएगा, ये यूनिट डायरेक्शनल होता है। लेकिन इनकम इफेक्ट कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है, ये डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं नॉर्मल गुड्स। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा है तो आप देखेंगे कि इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। ऐसे केस में जब वस्तु की कीमत कम होती है तो आय प्रभाव भी उसकी मांग को बढ़ा देता है अच्छी क्वालिटी होने के कारण, और प्रतिस्थापन प्रभाव भी उसकी मांग को बढ़ा देता है। नेचुरल है, लॉ ऑफ डिमांड इसमें लागू होता है। और अगर क्वालिटी अच्छी है तो दोनों इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोथ विल वर्क इन द सेम डायरेक्शन इन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर प्राइस फॉलिंग कमोडिटी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंफीरियर गुड्स, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है क्वालिटी खराब होने के कारण, और लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव अभी भी काम करता है। सो नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज वीकर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन। बेटा इसमें क्या है, इंफीरियर गुड्स एंड गिफ्टिंग गुड्स में भी डिफरेंस है। इंफीरियर गुड्स ऐसे वस्तु को कहते हैं जिनका इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज वीकर देन दैट ऑफ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होने के कारण इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है, क्योंकि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है अगर प्रतिस्थापन प्रभाव उसकी 10 इकाई को बढ़ाता है तो इनकम इफेक्ट उसकी 8 इकाई को कम करता है, तो नेट इफेक्ट 2 इकाई और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल। वेयर इन द केस ऑफ गिफ्टिंग गुड्स थोड़ा सा और भी चेंज हो जाता है। गिफ्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर हैविंग स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इनकम इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इनकम इफेक्ट व्हाट हैपेंस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बिकम्स वीक, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस वी फाइंड लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज क्वालिटी इज वेरी बैड, एंड सिंस द क्वालिटी इज वेरी बैड इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, नेगेटिव इनकम इफेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। सो इफ देर इज एनी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी कंज्यूमर विल डेफिनेटली डिक्रीज इट्स डिमांड ऑल्सो। तो गिफ्टिंग गुड्स को इसीलिए हम लोग मांग के नियम के अपवाद के रूप में भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसको हम डायग्राम की सहायता से कैसे दिखा सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्राइस नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आरंभिक संतुलन यहाँ पे IC0 जो है वो बजट लाइन PL0 को टच कर रहा है E0 पर, ये आरंभिक संतुलन की बात है। जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है बजट लाइन शिफ्ट होकर PL1 हो जाता है, और PL1 होते ही आप देखिए उपभोक्ता एक दूसरे अनधिमान वक्र पर संतुलन में चला जाता है IC1 पर। सो बिंदु E0 से बढ़कर बिंदु E2 पर जाना कीमत प्रभाव कहलाता है। JR हिक्स ने इसको दो भागों में बांटा है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। JR हिक्स का ये कहना था ये जो हुआ है कीमत कम होने से उसकी रियल इनकम बढ़ी है, वो जो रियल इनकम अगर हम उससे कंपनसेटिंग वेरिएशन के रूप में वापस छीन लें और उसे मजबूर करें कि तुम पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जाओ तो कंज्यूमर क्या करेगा। ऐसी स्थिति को आप देखेंगे
इनकम लेने के लिए उसने क्या किया, एक इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ की जो कि PL1 के पैरेलल है। देखिए लाल रंग की जो बजट लाइन AB है, ये एक इमेजिनरी बजट लाइन है। ये क्या कर रही है, ये कंपनस जो उसकी रियल इनकम बढ़ी है वो इनकम उससे छीन रही है और कंज्यूमर को मजबूर कर रही है पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जाने के लिए। ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कंज्यूमर E0 से शिफ्ट होकर E1 पे आ गया। आय प्रभाव को हमने रिमूव कर दिया है तब भी कंज्यूमर E0 से शिफ्ट होकर E1 पे आ गया, यानी कि जो X0 से X1 यूनिट वो खरीद रहा है वो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण खरीद रहा है, और जब हम इसको ये आय वापस कर देंगे तो वापस वो E2 पे चला जाएगा। तो X1 से X2 की तरफ जो इसका मूवमेंट है वो आय प्रभाव के कारण हो रहा है। प्यारे बच्चों, ये जो रेड कलर का एरो है प्लस ब्लैक कलर का एरो है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको ब्लू कलर का एरो मिलेगा, यानी प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपने देखा इस केस में प्रतिस्थापन प्रभाव जो लाल रंग से दिखाई जा रहा है वो बढ़ा रहा है डिमांड को जिसकी कीमत कम हुई है, आय प्रभाव क्योंकि क्वालिटी अच्छी है वो भी बढ़ा रहा है डिमांड को जिसकी कीमत कम हुई है। दोनों ही इफेक्ट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए इस पे लॉ ऑफ डिमांड लागू है। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो रहा है, देखिए सेम केस है, सेम कॉम्बिनेशन है। PL0 उसका इनिशियल बजट लाइन है, PL1 नया बजट लाइन है जब कीमत कम होती है। इस केस में हम क्या देखते हैं, अगर उससे हम इनकम वापस लेते हैं, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इमेजिनरी बजट लाइन, अगर हम उससे इनकम वापस लेते हैं तो कंज्यूमर E1 पे चलाता है, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जबकि इनकम इफेक्ट उसका रेड कलर से दिखाया गया है। इनकम इफेक्ट वस्तु के कंजम्पशन को कम कर रहा है और आय प्रभाव वस्तु के इफेक्ट को बढ़ा रहा है। प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तु के कंजम्पशन को बढ़ा रहा है और इनकम इफेक्ट उसके कंजम्पशन को कम कर रहा है, लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का एरो है ये नेट चेंज इन डिमांड होगा और लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स के केस में भी लागू होगा। नॉर्मल केस में लॉ ऑफ डिमांड लागू है क्योंकि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोथ आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट इट इज वीकर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दैट्स व्हाई लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल। लास्ट में आज की क्लास के लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो गिफिन गुड्स का है। प्यारे बच्चों, आई विल टेक ए फ्यू मोर मिनट्स बिकॉज इसको हम बीच में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। गिफिन गुड्स में के केस में क्या होता है बच्चों कि प्रतिस्थापन प्रभाव तो अभी भी प्राइस फॉलिंग कमोडिटी की मांग को बढ़ाएगा, लेकिन आय प्रभाव अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये आय प्रभाव दिखाया गया है जो कि मांग को कम कर रहा है, और ये जो स्काई ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखा रहा है जो मांग को बढ़ा रहा है। तो ड्यू टू नेगेटिव स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इनकम इफेक्ट देयर इज अ बिग फॉल इन द डिमांड ऑफ प्राइस फॉलिंग कमोडिटी दैट इज कमोडिटी एक्स, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्टिल वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। नेट इफेक्ट आप देखेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इनकम इफेक्ट there will be decrease in the demand for the price falling commodity and hence this commodity becomes Giffen goods which was propounded by Sir Robert Giffen। इसकी भी कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे और साथ ही इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको किसी भी किताब में सरलता से नहीं मिलेंगे उस क्लास में आपको इसके कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।